हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रीथ गार्डनिंग में। घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, हमारे घर में कुछ हर्बल प्लांट्स होने चाहिए, जैसे नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, लेमन ग्रास। ये सब हर्बल प्लांट्स हैं, ये बहुत अच्छा प्लांट्स है। हम बात कर रहे हैं एलोवेरा प्लांट्स के बारे में। इस प्लांट को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे हर्बल प्लांट्स हर घर में होने चाहिए और इस प्लांट की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, या कोई भी मिट्टी में आसानी से लग जाता है। एलोवेरा की बात करें तो हम यह एयर प्यूरीफाई प्लांट है, और वैसे तो आजकल ये कई कॉस्मेटिक्स में भी एलोवेरा का जेल यूज होता है। तो इस प्लांट को आप किस तरह से लगा सकते हैं? आप इसे तीन तरह से उगा सकते हैं। एक तो इसकी लीव्स के जो टुकड़े होते हैं उनसे भी आसानी से लग जाता है, और जड़ों से। और ये जो प्लांट्स के चारों ओर छोटे छोटे नए बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनसे भी ये आसानी से लग जाता है। अगर आप जब भी एलोवेरा का प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स लगाते हैं प्लास्टिक के पॉट में, तो उसमें 4-5 होल कर लेने चाहिए, जिससे हम पानी डालें तो जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेन आउट होकर के निकल जाता है और प्लांट्स हमारे ख़राब नहीं होते हैं। और अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें 15% कंपोस्ट, 50% रिवर सैंड और 30% गार्डन सॉइल लिया है। यह पौधे को आप कभी भी लगा सकते हैं, पर गर्मियों के मौसम में ना लगाएं। हमेशा मानसून या सर्दियों के जो मौसम होता है उस बीच में ही इस प्लांट को लगाएं। और इस प्लांट में पानी कब डालें? एलोवेरा के प्लांट्स में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट में पानी तभी डालें जब उसकी मिट्टी सूख गई हो। ज़्यादा पानी डालने से एलोवेरा का प्लांट ख़राब हो जाता है। वैसे तो एलोवेरा के पौधे को ग्रो करने के लिए कोई खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, पर आपको डालना है तो वर्मी कंपोस्ट या काउडग या गोबर की खाद, जो भी खाद है आप एक बार डाल दें तो इसके लिए काफ़ी है। और इसमें कोई इंसेक्ट भी नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर एलोवेरा को अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो उसमें फंगस लग जाता है।